दोस्तों हाल ही में कुछ ही दिन पहले ONGC के अंदर अप्रेंटिस की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था। फिलहाल इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई किए जा रहे हैं। वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो लाने की, लेकिन यार कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों की लगातार कमेंट्स आ रही हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि भैया ONGC अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में बताइए, जो 2500 वैकेंसी आई है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट का नेचर क्या है, स्टिपेंड सैलरी कितनी मिलेगी, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और भी काफी सारे डिफरेंट डाउट्स आ रहे हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। मैं भी कमेंट्स के रिप्लाई देता थक गया, तो फाइनली मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाते ही है, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो घर खाली नहीं बैठना चाहते, जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो चलिए इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप ONGC के अंदर अप्रेंटिस की इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है ONGC के अंदर अप्रेंटिस की वेरियस पोस्ट के ऊपर। ONGC के बारे में आप जानते ही होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इसके अंदर अप्रेंटिस की सभी वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है 2500, जिसमें हमारी वेरियस ट्रेड है या फिर वेरियस पोस्ट आप कह सकते हो। 10th पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट है, 12th पास वालों के लिए भी है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे तो भी आपके लिए पोस्ट है, अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो, आपके को पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट है या फिर अदर ITI सर्टिफिकेट है, आपने कोई स्पेशल ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो भी आपके लिए ढेर सारी पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। इसमें हमारी कौन कौन सी बेस्ट मेजर पोस्ट है, जिनके रिगार्डिंग काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर कीपर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, कैबिन रूम अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हाउस कीपर, सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, सर्वेयर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और भी काफी सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। आगे मैं आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं कि किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1st of September 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 September 2023 है, यानी कि आज से भी आपके पास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के 10 से 11 दिन हैं। इसका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा वो एग्जैक्टली 5th ऑफ अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही वर्क सेंटर वाइज भी डिवाइडेड है, क्योंकि ONGC के टोटल 22 वर्क सेंटर है ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट में। तो इसकी सारी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। तो ये सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी कि किस वर्क सेंटर के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा, देहरादून वर्क सेंटर है जिसमें टोटल 13 डिफरेंट पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 114 है सभी पोस्ट को कंबाइंड करके। दूसरा वर्क सेंटर दिल्ली है, जिसके अंदर टोटल 8 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, सभी पोस्ट को कंबाइंड करके 40 वैकेंसीज है। जोधपुर वर्क सेंटर है, यहां पर हमारी 5 ही पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज 159 है। उसके बाद हमारा मुंबई भी एक वर्क सेंटर है, इसमें हमारी 19 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 303 निकली हुई है। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बहुत सारे वर्क सेंटर है, आप देख सकते हैं। जिस भी वर्क सेंटर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपकी फाइनल पोस्टिंग वहीं पर रहेगी। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। और हां दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। फॉर्म सभी कैटेगरी के लिए एकदम फ्री है, फ्री में आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप केवल एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसके साथ आप दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो केवल एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो ये एक यहां पर लिमिटेशन इन्होंने इस फॉर्म में डाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम 24 ईयर रखी गई है।
जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 20th of September 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 20th of September 1999 से लेकर 20th of September 2005 के बीच में हुआ हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रेड वाइज मतलब पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें सबसे पहले हमारी आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। दूसरी हमारी केबिन रूम अटेंडेंट है, यहां पर भी 10th पास मांगा गया है। साथ ही ड्रेसर मेडिकल की पोस्ट है, केवल 10th पास मांगा गया है। हाउसकीपर कॉर्पोरेट, यहां पर भी 10th पास मांगा गया है। एक बेस्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, इस पोस्ट के लिए केवल 12th पास मांगा गया। अगर आपने 12th पास किया है तो आप एलिजिबल है। साथ ही हमारी इसमें इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से तो आप एलिजिबल है। साथ ही सिविल की भी है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है सिविल से तो आप एलिजिबल है। फिटर की है, आपने आईटीआई किया हो फिटर से। साथ ही कुछ ग्रेजुएशन बेस्ड भी पोस्ट है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो। वहीं पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है, बीए बीएससी बीबीए उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। साथ ही स्टोर कीपर पोस्ट के लिए भी आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल है। और भी काफी सारी इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, जिन्होंने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी है। एक सिविल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, अगर आपने पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है, आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है सिविल ट्रेड से तो आप एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपने डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल से आपने इलेक्ट्रिकल किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ढेर सारी पोस्ट रखी गई है। टोटल 40 पोस्ट इसके अंदर लिस्ट की गई है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, ऐसी बहुत ही कम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हो, तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। और हां दोस्तों, इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो स्टेज है हमारी फाइनल मेरिट। मेरिट के बेस पर इसमें आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है जिसके लिए 12th पास मांगा गया है, जैसे कि आपका हो गया ऑफिस असिस्टेंट, 12th पास मांगा गया है, तो अगर आपने इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जितने भी लोगों ने किया है, तो आपकी 12th के मार्क्स के बेसिस पर एक कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट है, यहां पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज ओबीसी एसटी एससी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज रहने वाली है। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट की अलग कट ऑफ बनेगी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं है क्योंकि एक अप्रेंटिस की भी पोस्ट है। हालांकि बहुत सारे अप्रेंटिस में आपके एग्जाम्स होते हैं लेकिन यहां पर नहीं है, जैसे कि एसबीआई अप्रेंटिस लिंक लेते ना अभी, उसमें तो आपका एग्जाम था लेकिन यहां पर एग्जाम नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ जारी हो जाएगी, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी होगी वो आपकी बहुत ही जल्द 5 अक्टूबर को हो जाएगी। फॉर्म की लास्ट डेट 20 सितंबर है और 5 अक्टूबर को आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा? वैसे तो वेबसाइट के ऊपर लिस्ट जारी हो जाएगी, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आपकी ईमेल आईडी पर या फिर आपको फोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि फाइनली आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ये आपकी जॉब लोकेशन है, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है, इस दिन आपको यहां पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद रेगुलर बेसिस पर अपने ईमेल्स या फिर अपने फोन के ऊपर मैसेजेस चेक करते रहिएगा। बाकी वेबसाइट्स के ऊपर भी आपको सारी डिटेल मिलती रहेंगी। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी, उसको फॉलो करते रहिए रेगुलर बेसिस पर। तो यार बाकी
अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में कि भैया मान के चलो हमारा सिलेक्शन हो गया, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा सिलेक्शन होने के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं। अब मैं वीडियो बना रहा हूं तब पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस के रिगार्डिंग अभी तक बनी भी नहीं, इसी वजह से कंपटीशन काफी कम रह जाता है। ऊपर से एक अप्रेंटिस की पोस्ट है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक इनकम जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यार स्टाइपेंड सैलरी के बारे में बात करें, किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी अप्रेंटिस के साथ साथ, सबसे पहले बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस, यानी कि ऐसी पोस्ट जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, जैसे कि आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, या फिर आपका स्टोर कीपर की पोस्ट हो गई, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हो गई, ग्रेजुएट पास मांगा गया है। इन पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन होता है एज अ अप्रेंटिस तो आपकी स्टाइपेंड पर मंथ 9000 रहेगी, 9700 के आसपास रहता है, ठीक है। जिन लोगों ने 2019 में सिलेक्शन लिया था उनका कहना यही है कि थोड़ी सी ज्यादा ही आपको इसमें मिल जाता है, तो 9500 के आसपास आपकी इसमें स्टाइपेंड रहेगी। वहीं पर डिप्लोमा अप्रेंटिस जो है, यानी कि जिन पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, उनकी आपकी स्टाइपेंड 8000 रुपए पर मंथ रहेगी, 8 से 8500 रुपए। जो ट्रेड अप्रेंटिस है, यानी कि जिन पोस्ट के लिए 10 पास मांगा गया है, जैसे कि लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, या फिर आपका कैबिन अटेंडेंट हो गया, या फिर 12 पास मांगा गया है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट जैसी पोस्ट है, आईटीआई मांगा गया, इन सभी पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम इनिशियल स्टाइपेंड रहेगी वो आपकी 7000 मंथली रहेगी, 7500 के आसपास आपको इसमें स्टाइपेंड सैलरी मिलेगी। अप्रेंटिस की पोस्ट है लेकिन सैलरी आपको साथ साथ मिलेगी। अब सवाल उठ रहा होगा कि भैया अप्रेंटिसशिप कितने साल की है या फिर कितने महीने की है, तो दोस्तों ये आपकी पूरे एक साल की अप्रेंटिसशिप है, यानी कि एक साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, पर मंथ आपको प्रॉपर इसमें स्टाइपेंड सैलरी दी जाएगी। आप ONGC के साथ, एक हाईएस्ट रेपुटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जॉब कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, और मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर कोई भी बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस गया तो वो तो बाहर परमानेंट होकर ही निकलता है, क्योंकि वो अंदर डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुका है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेता है और वो परमानेंट हो जाता है, क्योंकि अंदर जब आप काम कर रहे हो ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है परमानेंट होने की, इंटरनली प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी निकलती है, इंटरनली एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब कर लो तो बहुत ही जल्दी आपको परमानेंट कर दिया जाता है ONGC के अंदर। तो भाई सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हो इस चीज को लेकर। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, वर्क सेंटर के बारे में, कि आपकी लोकेशन क्या रहेगी। देखिए दोस्तों ये तो आपकी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है, जिस वर्क सेंटर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए, उसी वर्क सेंटर में आपको काम करना होगा। मान के चलिए देहरादून वर्क सेंटर से आपने फॉर्म अप्लाई किया किसी भी पोस्ट के लिए, तो कोरस्पोंडिंग स्टेट तो आपका उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड की हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। वर्क सेंटर यानी कि हेड ऑफिस तो एक इसका देहरादून में हो गया, लेकिन पूरे उत्तराखंड के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी इसमें जॉब लोकेशन रह सकती है। अगर आप दिल्ली से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो नेशनल कैपिटल रीजन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, यानी कि दिल्ली में कहीं पर भी हो सकती है, नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऐसे अगर आप जोधपुर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जोधपुर और जैसलमेर में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, गोवा वालों की नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में रहेगी। साथ ही अगर आप हजीरा से कर रहे हो तो गुजरात के सूरत, नवसारी, तापी, साथ ही दंग, वालसाद, मुंबई में, ओल महाराष्ट्र की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। साथ ही अहमदाबाद है, बहुत सारे वर्क सेंटर है आपके, चेन्नई, बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा, लगभग 22 वर्क सेंटर है आपके। नोटिफिकेशन के लास्ट में वर्क सेंटर की सारी डिटेल्स दे रखेगी कि किस वर्क सेंटर से फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, किसी कुछ गिनी चुनी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगी या फिर ऑल ओवर स्टेट के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहेगी, तो ये तो आपको तभी पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, एट लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, आप उसी वर्क सेंटर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिस वर्क सेंटर के स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि इसमें एक देहरादून वर्क सेंटर है, किस स्टेट में पड़ता है, उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आप देहरादून वर्क सेंटर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही एक दिल्ली का वर्क सेंटर है, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप दिल्ली के वर्क सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी की सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। तो ये है भाई पुश का पूरा फंडा, ये एक अप्रेंटिस के एक साल के आपकी इसमें ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप का एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सा सर्टिफिकेट मिलता है ONGC की तरफ से, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उस सर्टिफिकेट को लेकर अगर आप किसी भी
प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जाते हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो जॉब के लिए इंटरव्यू के टाइम पर, तो आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि मेरे हिसाब से तो कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन देख के आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि ONGC का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यानी कि अगर आप इसको ले लो बहुत बड़ी बात है, और साथ साथ आपको इसमें स्टाइपेंड सैलरी भी मिल रही है, तो बेटर ऑप्शन है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं अपनी प्रिपरेशन का भी खर्च नहीं उठा पा रहा, तो बेटर ऑप्शन है, इसको आप ग्रैब कर लो, क्योंकि फॉर्म फीस भी कोई नहीं है, एकदम फ्री फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए। 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन काफी लो रहता है, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना, बिंदास पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलाउद के नाम से मिल जाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।